अच्छा, आज का जो वीडियो बन रहा है ये वीडियो इस बात पे बन रहा है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको गर्दन से लेकर शोल्डर, एल्बो या फिर जो फिंगर्स होती है वहां तक उनको पेन देखने को मिलता है। ये पेन जो है दो वजह से हो सकता है। अगर आपकी जो डिस्क होती है, ठीक है, और जो डिस्क है उसमें किसी वजह से आपके कंप्रेशन आ रखा है, ठीक है, तो उस कंप्रेशन की वजह से भी आपको जो है शोल्डर से लेकर आपके फिंगर तक आपको पेन देखने को मिल सकता है। दूसरा केस क्या होता है कि अगर उसके अंदर आपको जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है ना, कंप्रेशन नहीं है पर ब्रेकल फ्लेक्सेस जो है आपका जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, तो उस केस में भी आपको जो है पेन आपको पूरे आर्म के अंदर और फोर आर्म और फिंगर तक आपको देखने को मिल जाता है। दोनों केसेस को आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो कि आपको इन्फ्लामेशन हुआ है कि कंप्रेशन हुआ है नेक के अंदर, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, अगर आपको इन्फ्लामेशन होता है तो उसका जो पेन जो होता है वो 24 घंटे के लिए होता है और बहुत ज्यादा सीवियर देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको इन्फ्लामेशन हुआ है तो आपकी कंधे की जो मांसपेशियां हैं और आपकी जो है आर्म की मांसपेशी है, फोर आर्म की मांसपेशियां हैं, वो धीरे धीरे उस पर मसल वास्टिंग देखने को मिल जाती है, पर वो सारा सब कुछ जो है पेन के साथ होता है, ठीक है। वहीं अगर आपको सर्वाइकल के अंदर केवल कंप्रेशन देखने को मिलता है तो उस कंप्रेशन में आपको क्या है कि एक तरीके का जो धागे के जैसा जो होता है दर्द वो देखने को मिलता है, उसमें आपको इतना जल्दी जो है मसल वास्टिंग देखने को नहीं मिलता है। अगर किसी को एक महीना पुराना कोई सर्वाइकल कंप्रेशन है तो उसमें मसल वास्टिंग इतना देखने को नहीं मिलेगा। अगर किसी को एक महीना पुराना इन्फ्लामेशन है तो उस केस के अंदर आपको जो है मसल वास्टिंग आपको देखने को मिल सकता है और बहुत ज्यादा सीवियर पेन के साथ में देखने को मिल सकता है। धन्यवाद।